कॉन्वेंट स्कूल है। आज मैं बताता हूँ आप लोगों को इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को एक विश्वसनीय स्थानीय सभी नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर जुड़े हैं। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर और मोबाइल फोनों के साथ जोड़ सकते हैं। मेरा नाम देवांजलि सरकार है। मैं हैप्पी कन्वेंट स्कूल की छात्री हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि इंटरनेट हमारे विद्यार्थी जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया। विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट का बहुत महत्व है। अपना घर बैठे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में यह हमारी सहायता कर रहा है। कंप्यूटर इस शताब्दी के एक प्रमुख आविष्कार में से एक है। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से इंसान के काम करने में भी सहायता होता है। इंटरनेट ये दुनिया के किसी भी जगह में पूरे विश्व भर की जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इस कोरोना के समय पर भी इंटरनेट की वजह से हमें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में सहायता हो रहा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री शाह है। मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल की छात्री हूँ। मैं आज इंटरनेट कैसे हमारी सहायता करते हैं उसके बारे में कुछ पंक्ति बोलने वाली हूँ। इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट का शिक्षा में भी बहुत योगदान है। इंटरनेट के मदद से हम कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी संदेश आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम समीर जन्नत है। मैं क्लास 6B हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारा रिस्पेक्टेड मैम और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, हम आपसे बहुत खुश है कि COVID-19 कोरोना वायरस के वजह हम लोग घर में हैं और हम सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए दिया गया है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम बहुत खुश हैं। आज मैं आप सबको फिर से हमारे टैलेंट्स दिखाने आए हैं। आज मैं आप सबको इंटरनेट के ज़रिए कहाँ से पहुंचा जा सकता है इस बारे में बताएंगे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आप तक पहुंचने के लिए गूगल डेटा सेंटर से हज़ारों मील की दूरी तय करते हैं। तो आइए जानिए डेटा के इनक्रेडिबल यात्रा के विवरणों को समझने के लिए इंटरनेट कैसे पहुंचता है। एक डेटा सेंटर जो आपसे हज़ारों मील दूर हो सकता है, लेकिन आपके वीडियो को इसके अंदर संग्रहित किया जाता है। इस डेटा को आपके मोबाइल फोन्स या लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आसान तरीका है सैटेलाइट्स के उपायों के साथ। डेटा सेंटर से एक सिग्नल को एक एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट्स को भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से एक संकेत आपके मोबाइल फोन्स पर एक अन्य एंटीना के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। हालांकि संकेत को ट्रांसमिट करने का यह तरीका एक अच्छा विचार नहीं है। मुझे पूरा आशा है कि हमारे रेस्पेक्टेड मैम और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आपको हमारे वीडियो प्रोजेक्ट अच्छा लगा। इसी बात में धन्यवाद। सुप्रभात, सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम देवांजलि पाल है। आज के इस वीडियो में मैं इंटरनेट पर निर्भर महत्व और उपयोग के विषय में बात करूंगी। इंटरनेट विश्व के सभी कंप्यूटर को जोड़ने का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनेट विभिन्न इंटरनेट प्रोटोकॉल आदि का उपयोग करता है। आज के इस युग में मोबाइल फोन भी इंटरनेट का एक छोटा रूप बन चुका है, इसलिए इंटरनेट इन डिवाइसों पर भी उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करता है। अब इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण वस्तु बन चुका है। धन्यवाद। इंटरनेट की सहायता से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से हम पैसे कमाना और पैसे ट्रांसफर करना भी कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम शादी के रिश्ते भी ढूंढ सकते हैं। MPL जैसे विशेष ऐप से हम पैसे कमा सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम डॉक्टर के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। इस महामारी में
बच्चे और वयस्क लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, कैरम, चेस हम इंटरनेट में खेल सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम नाच गाना सीख सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम अनेक भाषा सीख सकते हैं। इंटरनेट में वीडियोस देखकर हम मनोरंजन ले सकते हैं। इंटरनेट से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंटरनेट से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे गाड़ी, मोटरबाइक आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है शाहिद मियान मुनर। आज हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ने हमारे जीवन के मायने को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा कर दिया है और कई कार्यों को सरल और आसान बना दिया है। हालांकि इसने कई नुकसानों को भी बना दिया है। साथ होता है इंटरनेट का अधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। इंटरनेट के साथ कई नुकसान जुड़े हैं, इनमें से कुछ समय का व्यर्थ होना, धोखाधड़ी, स्पैमिंग और हैकिंग शामिल है। ये नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल है जो आपस में कनेक्ट होने के लिए प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सभी प्रकार के जानकारी और संचार का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम शिवांशी अग्रवाल है और मैं 6th कक्षा की छात्री हूँ। आज मैं आपको इंटरनेट की कुछ नुकसान के बारे में बताने जा रही हूँ। इंटरनेट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु बन चुका है। इसके कुछ नुकसान भी है और साथ ही इसके कुछ लाभ भी। इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान है, इससे हम सभी को इसकी आदत सी हो चुकी है और इससे हमारा बहुत सा समय बर्बाद भी हो रहा है। इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे कंप्यूटर में वायरस का भी खतरा बढ़ रहा है। इंटरनेट का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हम ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया साइट और अन्य साइट का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि का गलत उपयोग भी हो सकता है। हम इंटरनेट में ऑनलाइन चैटिंग भी कर लेते हैं, पर इसका प्रभाव हमारी समाज में भी पड़ रहा है। इससे हमारे समाज में मेल मिलाप का समाप्त भी हो रहा है। इसलिए इंटरनेट का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट से हमारी मानसिक और शारीरिक विकास पर जोर पड़ रहा है और प्रभाव भी। इंटरनेट का सबसे बड़ा और एक नुकसान है पोर्नोग्राफी, जिसमें बहुत सी अश्लील वीडियो रहती है, जिसे बच्चे देखकर उसका गलत प्रभाव भी पड़ रहा है बच्चों पर। इसलिए हमें इंटरनेट का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव हमारे दिमाग को खराब भी कर रहा है, इसलिए हमें इंटरनेट का कम उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।